जी दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली मार्केटिंग प्रोसेस जो है, ये एक प्रोसेस है एनालिसिस करने का किस चीज़ को, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को। इसी तरह सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट्स, मार्केट की टारगेट मार्केट्स को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी मार्केटिंग प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करना। इसी तरह मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट और मार्केटिंग एफर्ट को मैनेज करना, ये सब जो है ये हमारा मार्केटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। इसके साथ हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो बेसिकली इट इज़ अ मार्केटिंग लॉजिक विच इज़ अडॉप्टेड बाय द बिजनेस यूनिट टू अचीव देयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये एक लॉजिक है जो कि बिजनेस यूनिट्स के जरिए अडॉप्ट की जाती है ताकि वो अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें बाय डिफरेंट मेथड्स। उन मेथड्स के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो है टारगेट कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स को टारगेट करके और कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके, डिमांड मेजरमेंट एंड फोरकास्टिंग करके, इसके अलावा मार्केटिंग सेगमेंटेशन करके और मार्केट की टारगेटिंग करके और पोजिशनिंग करके। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। बेसिकली डिवाइडिंग ए मार्केट इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स दैट माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट। यानी कि मार्केट को हम हिस्सों में डिवाइड कर दें और ख़ास ऐसे प्रोडक्ट को या बायर्स को टारगेट करें जो इनको एक ख़ास प्रोडक्ट ज़रूरत होती है, जैसे उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। इसी तरह जो एक नई टर्म है वो है मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु रिस्पॉन्ड टू ए मार्केट स्टिमुलाई। यानी एक मार्केट के अगर स्टिमुलाई इंजेक्ट किया जाए तो जो आपको सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगे वो मार्केट सेगमेंट होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट टारगेटिंग क्या होती है। मार्केटिंग टारगेटिंग बेसिकली प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग मार्केट, यानी मार्केट को एवेल्युएट करने का प्रोसेस है किस चीज़ के लिए, फॉर सेलेक्टिंग मोर सेगमेंट्स टू एंटर। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स को एंटर करने के लिए जो हम एवेल्युएशन करते हैं मार्केट की, उसे मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पोजीशन क्या होती है। बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड बाय द कस्टमर। यानी कि कस्टमर एक प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसे प्रोडक्ट की पोजीशन कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है कस्टमर के माइंड में। इट मीन्स हाउ ए प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड बाय द कंज्यूमर एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट। यानी कि कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर किस तरीके से प्लेस कर रहा है, वो प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहलाती है। इसके अंदर यहाँ पे अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मार्केट के जो टर्मिनोलॉजी हैं उसमें एक चीज़ आई है कि मार्केट लीडर क्या होता है। तो मार्केट लीडर इज़ अ फर्म विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। यानी कि जिस फर्म का मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर होगा वो मार्केट लीडर होगा। इट यूजली लीड्स ऑफर अदर फर्म इन प्राइस चेंजेस, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। यानी कि ये मुख्तलिफ चीज़ों में दूसरी कंपनियों को जो है ना वो लीड करता है, जिसके अंदर प्राइस चेंजेस शामिल हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना शामिल है और डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज शामिल है। इसके साथ साथ कवरेज के साथ साथ प्रमोशन स्पेंडिंग भी शामिल है। इसके साथ साथ एक और जो हमारी जो मार्केट चैलेंज एंटिटी होती है वो है मार्केट चैलेंजर। तो मार्केट चैलेंजर बेसिकली एक रनर अप फर्म होती है, यानी सेकंड नंबर पे होती है, जो बहुत मेहनत करती है अपने उस मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के अंदर, कि वो इंक्रीज़ करके कि किसी तरह लीडिंग कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा कर ले। इसके साथ ही जो हमारी अगली है वो है मार्केट फॉलोअर। के ये कौन सी एंटिटी होती है, ए रनर अप फर्म दैट वांट्स टू होल्ड इस मार्केट शेयर विदाउट रॉकेटिंग द बोट। यानी कि ये चाहती है कि बस जहाँ पे मेरा शेयर है वहीं पर एक तरह से स्टे बैक करके रहे, यानी ना बढ़े ना कम हो, लेकिन कम भी ना हो। इनको कहते हैं मार्केट फॉलोअर। इसके बाद है मार्केट मीटियर। कि मार्केट मीटियर कौन होते हैं, बेसिकली फर्म्स हु सर्व्स द स्मॉल सेगमेंट्स दैट द अदर फर्म इग्नोर्स और ओवरलुक। यानी कि ये वो ऐसी फर्म होती है जो कि उन चीज़ों पे फोकस करती है जो बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इग्नोर कर देती हैं या ओवरलुक कर देती हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। अगले लेक्चर के लिए मुंतजर रहिएगा।